हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। हम आपकी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मुग़ल काल चल रहा है 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी। तो चलिए इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो फर्स्ट है अकबर, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है शाहजहां, फोर्थ है औरंगजेब। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व मुंबई, दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता व अमृतसर, लुधियाना व तिरुपति। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, कोलकाता व अमृतसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन इब्राहिम लोदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम, लाहौर में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, सासाराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर, आगरा, जामा मस्जिद, सिकरी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन कालानौर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, जहांगीर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सिसोदिया वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा सिक्को जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्दुल इस्मद, मीर सैयद अली। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजस्थान। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 1576 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? हुमायूं, दारा सिको, बहादुर शाह जफर, अकबर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? फर्स्ट है अकबर, शेरशाह, बाबर, औरंगजेब। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन शेरशाह हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, शेरशाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, काबुल में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन दिल्ली में हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? हैदराबाद में, सिकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? अकबर ने, जहांगीर, शाहजहां, दारा सिको। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो फर्स्ट है बाबर, सेकंड है हुमायूं, थर्ड है अकबर, फोर्थ है जहांगीर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाबर, सेकंड ऑप्शन है हुमायूं, थर्ड ऑप्शन है आपका अकबर, फोर्थ ऑप्शन है शाहजहां। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गंधार को शामिल किया? फर्स्ट है बाबर, सेकंड है हुमायूं, थर्ड है अकबर, फोर्थ है जहांगीर। तो आपका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा, बाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, बिलग्राम का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या फिर थी? रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, राजा सवाई जयसिंह। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, रानी दुर्गावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली में, जयपुर, आगरा और अमरकोट। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला आगरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक का कर पुनः लगाया? अकबर, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है औरंगजेब, फोर्थ है शाहजहां। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। फर्स्ट है कानून और व्यवस्था संभालना, सेकंड है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, थर्ड है राजघराने का प्रभावी होना, फोर्थ है शाही खजाने की देखभाल करना। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो फर्स्ट है चित्तौड़, सेकंड है पुणे, थर्ड है पुरंदर, फोर्थ है तोरण। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, पुरंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो फर्स्ट है 1650, सेकंड है 1699, थर्ड है 1750, फोर्थ है 1799। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 1699। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशन भोगी रहा? तो फर्स्ट है शाह आलम द्वितीय, सेकंड है बहादुर शाह द्वितीय, थर्ड है आलमगीर द्वितीय, फोर्थ है अकबर शाह द्वितीय। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका परफेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो फर्स्ट है अकबर, सेकंड है औरंगजेब, थर्ड है जहांगीर, फोर्थ है शाहजहां। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? फर्स्ट है 1526 ईस्वी में, सेकंड है 1555 से 1556 ईस्वी में, थर्ड है 1565 ईस्वी में, फोर्थ है 1658 ईस्वी में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? फर्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकंड है दौराहा का युद्ध, थर्ड है मंदसौर का युद्ध, फोर्थ है सरहिंद का युद्ध। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो फर्स्ट है बाबर, सेकंड है हुमायूं, थर्ड है अकबर, फोर्थ है जहांगीर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो फर्स्ट है बाबर, सेकंड है अकबर, थर्ड है हुमायूं, फोर्थ है शाहजहां। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हुमायूं हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो फर्स्ट है सेना अधिकारी, सेकंड है विदेशी विभाग का प्रमुख, थर्ड है लोक आचरण अधिकारी, फोर्थ है पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, चुंगी कर विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, थर्ड है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेशन, फोर्थ है बुआई कर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो फर्स्ट है
अब्दुस समद, सेकेंड है मंसूर, थर्ड है मीर सैयद अली, फोर्थ है अबुल हसन। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो फर्स्ट है बहलोल लोदी, सेकंड है सिकंदर लोदी, थर्ड है शेरशाह सूरी, फोर्थ है इस्लाम शाह सूरी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो फर्स्ट है आलमगीर द्वितीय, सेकंड है शाह आलम द्वितीय, थर्ड है अकबर द्वितीय, फोर्थ है शाह बहादुर शाह द्वितीय। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। तो फर्स्ट है बुआइन मुबाइन, सेकंड है दीवान, थर्ड है प्रोसाड़ी पर तुर्की संग्रह, फोर्थ है बाबर नामा। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। तो फर्स्ट है दार उल हर्ब, सेकंड है दार उल इस्लाम, थर्ड है पवित्र युद्ध, फोर्थ है जजिया। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, नूरजहाँ, जहांगीर, शाहजहाँ। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो फर्स्ट है चौसा दौरा कन्नौज बिलग्राम सरहिंद, सेकंड है दौरा चौसा कन्नौज बिलग्राम सरहिंद, थर्ड है सरहिंद दौरा चौसा कन्नौज बिलग्राम, फोर्थ है चौरा चौसा सरहिंद कन्नौज या बिलग्राम। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो फर्स्ट है बी ए इसमें, सेकंड है जे एन सरकार, थर्ड है ए एल श्रीवास्तव, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, शाहजादा अजीम ने। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, शेरशाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम, फर्स्ट मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह, शाहजहांदार शाह। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, सेकंड है उसकी सैन्य कुशलता, थर्ड है तुलगामा प्रथा, फोर्थ है अफगानों की आपसी फूट। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं देखते हैं दोस्तों। आपका लास्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? फर्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक, सेकंड है सिकंदर लोदी, थर्ड है शेरशाह, फोर्थ है अकबर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा,
शेर शाह। तो ये वीडियो दोस्तों आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके लिए जो वीडियो बनाई जा रही है आपके पास टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों।